गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट माय सब्जेक्ट चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 पेज नंबर 77। स्टूडेंट्स, मैथ्स में हम बुक वर्क करेंगे। क्वेश्चन 1, डिवाइड दीज नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड फाइंड द क्यूसेंट एंड रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, ये हमें डिवाइड को लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे। क्यूसेंट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे एंड रिमाइंडर को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यूसेंट मतलब होगा हमारा आंसर और आर मतलब जो हम डिवाइड करेंगे, जिसके बाद शेष जो बचेगा उसको हम रिमाइंडर बोलेंगे। ओके, 25 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एट जा 24, 8 हम ऊपर लिखेंगे। 24, 5 में से 4 गया 1 बचा, 2 में से 2 गया 0। तो क्यू कितना आया 8 और रिमाइंडर मतलब आर कितना बचा हमारे पास 1, तो हम यहाँ पर 1 फिल करेंगे। ओके, 47 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 नाइन ज़ा 45, 7 में से 5 को गया तो कितना बचा 2, 4 में से 4 गए तो 0। क्यू हमारा कितना आया 9 और आर कितना बचा हमारे पास 2, तो हम यहाँ पर 2 फिल करेंगे। ओके, 19 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, तो 16 लिखेंगे, 2 ऊपर जाएगा। 9 में से 6 गया 3 बचा, 1 में से 1 गया 0। क्यू हमारा कितना आया 2 और आर कितना आया 3, तो हम यहाँ पर 3 फिल करेंगे, आर मतलब रिमाइंडर। ओके, 75 को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 एट ज़ा 72, 5 में से 2 गया 3 बचा, 7 में से 7 गया 0। क्यू हमारा कितना आया 8 और आर कितना आया 3, कितना बचा है आर 3। ओके, तो हम यहाँ पर 3 फिल करेंगे। 51 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 एट जा 48, 1 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 1 कैरी करेंगे, 11, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो हम यहाँ पर 3 फिल करेंगे। यहाँ पर कितना बचा 4, 4 में से 4 गया 0। ओके, तो क्यू हमारा कितना आया 8 और आर कितना बचा हमारे पास 3, तो हम यहाँ पर 3 फिल करेंगे। ओके, 19 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 6 जा 18, 9 में से 8 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। क्यू हमारा कितना आया 6 और रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 1, तो हम यहाँ पर 1 फिल करेंगे। ओके, ऐसे ही आपको भी करना है। ओके,